हेलो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लर्निंग हाय दोस्तों आज आज हम इसमें टॉप हंड्रेड डिस्कस करने वाले हैं सिक्सपियर पे जो कि हमारे सुधीर के अरोरा की बुक का है ये प्रैक्टिस सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आज एक क्विक रिविज़न करने वाले हैं तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लव लेवर्स लॉस्ट वॉज रिटर्न इन इमेजिनेशन ऑफ ये क्विक रिविजन है इसलिए हम अदर ऑप्शन नहीं डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं तो लव लेवर लॉस्ट वॉज रिटर्न इन इमिटेशन ऑफ लिली स्टाइल किसका इमिटेशन है लिली स्टाइल का नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स दीज वर्ड्स अपीयर इन ये वर्ड्स कहाँ अपीयर हुए हैं तो हेनरी फिफ्थ में कहाँ पे हेनरी फिफ्थ में फैमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स दीज वर्ड्स अपीयर इन हेनरी फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस तो ये किसने कहा है तो ये हमारे रस्किन ने कहा है किसने कहा है रस्किन नेक्स्ट है हमारा द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम एज मेड ऑफ इज अ प्रोस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इज अपीयर इन तो ये कहाँ की लाइन है एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट की कहाँ की एक्ट फोरथ सीन फर्स्ट की लाइन है एक्ट फोर सीन फर्स्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीच टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हेमलेट फ्रॉम द प्ले हेमलेट इट अपियर्स इन तो यह अपीयर किसमें हुआ है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में किसमें एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में नेक्स्ट है द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ड्यूक ऑफ इज ऑफ ड्यूक ओरिशिनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट इट अपियर्स इन तो ये किसका सीन है तो ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट का सीन है जिसमें ड्यूक ओरिशिनो द्वारा कहा जाता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लेंड मी योर ईयर्स ये एंटोनी का है जूलियस सीजर से तो ये किस में अपीयर हुआ है तो ये एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में क्या है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लैंड योर ईयर्स नेक्स्ट है हमारा द स्पीच इट इज लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ़्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैगबेथ फ्रॉम द प्ले मैगबेथ इट अपीयर्स इन तो ये कहाँ की लाइन है एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की कहाँ की एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज ऑफ पोर्सिया फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस इट अपियर्स इन तो ये अपियर कहां हुआ है एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में कहां पे एक्ट सीन फर्स्ट में नेक्स्ट है द स्पीच लेट रोमन इन टाइबर मेल्ट इस फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इज अपियर इन तो ये किसमें अपियर हुआ है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में किसमें एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में क्या है लेट रोमन रोम इन टाइबर मेल्ट नेक्स्ट है द स्पीच इस कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम स्टाइल हर इनफिन इन्फिनाइट वेराइटी इज ऑफ एनो बार्बर्स फ्रॉम द एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इट अपियर इन तो ये किस में अपियर हुआ है तो ये एक्ट सेकेंड में एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में नेक्स्ट हमारा टू द ओनली बिगेटर ऑफ दीज एन सोनेट्स मिस्टर डब्ल्यू एच आर हैप्पीनेस एंड द इटर्निटी प्रोमिस्ड बाई आवर एवर लिविंग पोएट विच द वेल विसिंग एडवेंचर इन सेटिंग फोर्ट tt the initial tt stand for the initial tt stand for thomas thorpe the publisher thomas thorpe the publisher it is the doctorate on shakespeare's major tragedy a study in the context of indian approaches he is also the founder secretary of the shakespeare society of india shakespeare the indian icon and shakespeare varied perspectives are some of his significant publications. he is so he is vikram chopra ही इज़ विक्रम चोपरा नेक्स्ट है हु रोड कोटीसी इन शेक्सपियर हु रोड कोटीसी इन शेक्सपियर तो हमारा है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य मोहिनी मोहन भट्टाचार्य हु रोड कोटीसी कोटीसी किसने लिखा है तो मोहिनी मोहन भट्टाचार्य हु एडिट्स द जनरल हेमलेट स्टडीज द वर्ड्स ओनली जनरल डिवोटेड टू ए सिंगल लिटरेरी वर्क तो किसने एडिट किया है जनरल हेमलेट स्टडीज़ तो ये आर डब्ल्यू देसाई ने किसने आर डब्ल्यू देसाई ने हुज वर्क इज़ द शेक्सपियर प्लेज एज पोएम कैम्ब्रिज नाइनटीन एटी तो एस विश्वनाथन का किसका है एस विश्वनाथन का किसका वर्क है द शेक्सपियर प्लेज एज पोएम एस विश्वनाथन का नेक्स्ट है हु रोड्स इन इनफर्म ग्लोरी शेक्सपियर एंड द रेनेसेंस इमेज ऑफ मैन एक्सपोर्ट नाइनटीन एटी वन तो किसका है सुकांत चौधरी का किसका सुकांत चौधरी का नेक्स्ट है हु रोट मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर ए स्टडी ऑफ क्रिटिकल थियोरी एंड प्रैक्टिस तो राजीव वर्मा का किसका है राजीव वर्मा का नेक्स्ट है हुज बुक इज शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आईज लंदन तो किसकी किताब है रंजीत जी साहनी का किसकी रंजीत जी साहनी का नेक्स्ट है हमारा हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया किसने एडिट किया है तो किया है सी नरसिम्हा ने एडिट किया है नेक्स्ट है हुज बुक इज जेंडर रेस रेनेस ड्रामा किसकी बुक है जेंडर रेस रेनेसंस ड्रामा तो ये एनिया लुम्बा का है किसका है एनिया लुम्बा का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु एडिटेड शेक्सपियर इन इंडियन लैंग्वेज पब्लिश फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला इन नाइनटीन नाइनटी नाइन तो किसका है डी ए शंकर का किसका डी ए शंकर नेक्स्ट है वेनेबर आई एम आई एम आस्कड हु इज़ द प्ले राइट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट आई सेक्सपियर हु रिमार्क इज दिस यहाँ पे हु कौन है तो यहाँ पे हु गिरीश कर्नाड हैं कौन है गिरीश कर्नाड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु शेक्सपियर इज हुज़ बुक इज़ शेक्सपियर ट्रांसलेशन इन नाइनटीन सेंचुरी बंगाली थिएटर पब्लिश्ड फ्रॉम बंगला एकेडमी धाका इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव तो किसका है नजमुल हसन का किसका नजमुल हसन का नेक्स्ट है शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेस एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजडी हेमलेट वंस मोर शेक्सपीरियन कॉमेडी एक्सपी शेक्सपियर मैनुअल आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन ऑफ एन इंडियन शेक्सपीरियंस क्रिटिक हु वाज प्रेस्ड बाय प्रोफेसर इरविंग रिबनर एंड एलार्डाइस निकोल तो किसका है तो ये है सुबोधचंद्र सेन गुप्ता का किसका सुबोधचंद्र सेन गुप्ता का नेक्स्ट है हुज़ वर्क इज़ शेक्सपियर हिज़ वर्ड एंड हिज़ आर्ट मतलब ये बुक किसकी है तो ये बुक है के आर एस एंगर की किसकी के आर एस एंगर की नेक्स्ट है हमारा हु रोट इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर पब्लिश्ड फ्रॉम कर्नाटका पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे तो किसने लिखा है इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर के जी पंडित ने किसने के जी पंडित ने नेक्स्ट है हु रोडपी शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म एंड इसे इन सेंथेसिस किसने लिखा है शेक्सपियर्स क्रिटिसिज्म एंड इसे इन सेंथेसिस तो ये लिखा है सी नारायण मेनन ने किसने सी नारायण मेनन ने नेक्स्ट है हु हुज बुक इज शेक्सपियर्स लेटेंसीज किसकी बुक है शेक्सपियर की लेटेंसीज तो आर डब्ल्यू देसाई की किसकी आर डब्ल्यू देसाई की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट इसी ऑन शेक्सपीरियन ट्रेजडी इन दिस बुक ही रोट ए लॉन्ग प्रीफेस भूमिका इन हिंदी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ट्रेजडी द फोर ग्रेट ट्रेजडी किंग लियर ओथेलो एंड मैकबेथ आर सेपरेटली डिस्कस्ड द अदर चैप्टर आफ शेक्सपीरियन ट्रेजडी प्रॉब्लम्स एंड अदर ट्रेजडी अपेंडिक्स ए इज़ अबाउट मार्लो एंड मार्चिया वे वियलियजम वाइल्ड अपेंडिक्स बी इज अबाउट टेम्पेस्ट द पोस्ट स्क्रिप्ट टू किंग्लियर एंड ही इज़ इंडियन शिक्सपीरियन क्रिटिक हु इज़ ही तो कौन है वो तो वो है रामबिलास शर्मा कौन है रामबिलास शर्मा सर अरबिंदो तर आ, तारकनाथ सेन एस नागार्जुन के डी से, सेथना रामबिलास शर्मा वी वाई कंटक कृष्णा रायन सी डी नरसिम्हास एन एच जफरी ए ए अंसारी बस बसवार राज नायकर एस विश्वनाथन सुकांत चौधरी भीम एस दहिया विक्रम चोपड़ा आर सम सिग्निफिकेंट नेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट क्रिटिक हु वर्कड ऑन जो कि वर्क किए हैं विलियम शेक्सपियर पे किस पे विलियम शेक्सपियर पे शेक्सपियर बिकम ए शेयर होल्डर इन टू ऑफ़ द लीडिंग थिएटर नेम देम तो वो दो थिएटर कौन से हैं द ग्लोब द ब्लैक फ्रायर्स द ग्लोब द ब्लैक ब्लैक फ्रायर्स नेक्स्ट है जूलियस सीजर एंटोनियन क्लियोपाट्रा कोरियोलेनस आर द प्लेस दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट बट द स्कॉलर्स डू नॉट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री दे आर नोन एज तो दे आर नोन एज रोमन प्ले दे आर नोन एज रोमन प्ले नेक्स्ट है हमारा हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनेलिटी तो क्या है जॉन कौन है जॉन नेक्स्ट है हु इज द रॉयल सेंट वीक इन द देंटेल तो कौन है हेनरी uh, कौन है हेनरी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज ए रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम तो रिचर्ड थर्ड कौन है रिचर्ड थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसप्लिन हु तो किसने कहा है एडवर्ड डाउडन इन शेक्सपियर हिज माइंड देअर इज़ मोर वर्च्यू इन इट दैट ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ हु सेड तो किसने कहा है कर ले लें किसने कहा है कर ले लें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रोन्ड माइंडलेस आप इट्स जस्ट हॉनरस ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट हु रोड दिस लाइंस ये लाइन्स कितने लिखा है विलियम वर्ड्स वर्थ ने किसने लिखा है विलियम वर्ड्स वर्थ ने हॉटी टॉटी, ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर योर हाउस इज एक्सेप्शन विद दिस सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट वंस मोर डिड शेक्सपियर इफ सो द लेस शेक्सपियर ही हु रोड दिस लाइंस ये लाइन्स किसने लिखा है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हाउस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हाउस में लिखा है नेक्स्ट है विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हेमलेट हेमलेट पर कौन सी हिंदी फिल्म बेस्ड है तो वो हैदर कौन सी हिंदी फिल्म हैदर शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहेप्स एंसियन पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोर कम्प्रीहसि सोल हु रिमार्क इज इट तो ये ड्राइडन का रिमार्क है किसका ड्राइडन का ओथेलो इज फेमस फॉर ओथेलो किस लिए फेमस था तो क्रिडिलिटी के कारण क्यों क्रिडिलिटी के कारण नेक्स्ट है एम्बिसन इज फाउंडिन एम्बिसन किसमें पाया गया मैगबेथ में किस में मैगबेथ में नेक्स्ट है फिलोसफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन फिलोसफिक मेडिटेशन किस में प्रजेंट है हेमलेट में किसमें हेमलेट में नेक्स्ट है लियर इज़ नोन फॉर सिंपलिसिटी ब्रूटस फॉर नोबेलिटी एंटोनियो फॉर फ्रेंड्स फ्रेंडशिप यागो फॉर विलेनली मिरांडा एंड परडिटा फॉर ब्यूटी इमोजन फॉर फिडेलिटी डस्डिमोना फॉर डि डिवोशन लेडी मैकबेथ फॉर फैरिनेस ब्रिटिश फॉर बाइटिंग स्कार्जम एंड पोर्सिया फॉर पोर्सिया फॉर इंटे

आईज राइट आर ऑन द बोजन ऑफ अर्थ हु दिस लाइन तो ये किसने लिखा है किंग रिचर्ड ने किंग रिचर्ड ने रिचर्ड सेकेंड में नेक्स्ट है आल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेन टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वूमेन फार इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज हु रोट इट किसने लिखा है जॉर्ज गॉर्डन ने किसने लिखा है जॉर्ज गॉर्डन ने नेक्स्ट है फ्रॉम क्लियो टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड तो जॉर्ज गॉर्डन आंसर क्या है जॉर्ज गॉर्डन हिज ट्रेजडी सीम्स टू बी स्किल हिज कॉमेडी बी इंस्टेंट हु रिमार्क्स इज इट अबाउट शेक्सपियर तो इसको किसने रिमार्क किया है तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या हिज ट्रेजडी सीम्स टू बी स्किल हिज कॉमेडी टू बी इंस्टेंट हुज़ रिमार्क इज अबाउट शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स इज कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स क्या है तो इसका सोर्स है एम्प्री ट्रो एंड मैकेनमी टू कॉमेडीज बाय प्लूटस इसका सोर्स है नेक्स्ट है हेनरी सिक्स पार्ट वन सेकेंड एंड थर्ड रिचर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हेनरी फिफ्थ आर बेस्ड ऑन तो ये किस पे बेस्ड है क्रॉनिकल बाय रेफेल होलिनसेड किस पे क्रॉनिकल्स बाई रफेल होलिंगसेड द सोर्स ऑफ रोमियो जूलियट इज रोमियो जूलियट का सोर्स क्या है तो रोमियो जूलियट का सोर्स है सोर्स है रोमियस एंड जूलियट ए पोएम बाय आर्थर ब्रूक नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स क्या है तो मर्चेंट ऑफ ओके ओके okay, दोस्तों इसका आंसर कहीं और है तो हम आ, अगला अपन अपना सेशन जब नेक्स्ट लेंगे तो उसमें हम इसका आंसर बता देंगे थैंक यू सो मच आपको सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें हम लगभग सिक्सटी एट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसमें आप बाकी पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच